अभी हम आए हुए हैं सेठाजी के एसी की जेट सर्विस करने, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कूलिंग कर रहा है या नहीं। अभी इनकी सक्शन लाइन तो ठंडी है, लेकिन नीचे चलकर हमको देखना पड़ेगा कि ये कितनी कूलिंग कर रहा है। और आउटडोर कॉइल तो इनकी साफ लग रही है, लेकिन इसमें क्रिकेट बॉल के निशान जरूर है। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं इनका इंडोर कितना ज्यादा गंदा है। अभी इसके फिल्टर हमने निकाल दिए, ये तो हमें साफ ही लग रहे हैं, शायद इसको कस्टमर धोते रहते हैं। और जितने भी आज तक हमने हिटाची के एसी देखे हैं, उनमें कुछ न कुछ टूटा हुआ है, इनका भी एक फ्लैप टूटा हुआ है। और ये देखिए, इनकी इंडोर की कॉइल पूरी गंदगी से चोक पड़ी हुई है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि इस लगातार 3-4 साल से ड्राई सर्विस ही हुआ है। तो अभी हमने लगा लिया इसकी जैकेट, और बढ़िया करके पहली बार हम करने वाले हैं इसकी जेट सर्विस। अब साला ये इंडोर कॉइल इतना ज्यादा गंदा था कि हमें 3-4 बाल्टी पानी लग गया, और 3-4 बार हमने स्प्रे भी मारा इस पर। लेकिन अब देखिए, इंडोर कॉइल बिल्कुल चमचमाता हुआ नया, बिल्कुल नया हो गया है, और इस एसी में से बिल्कुल काला पानी निकला हुआ है। इस इंडोर की ग्रिल में इतनी ज्यादा गंदगी है, हमें लगता है कि ड्राई सर्विस वाला सिर्फ फूक मारकर चले जाता था। अभी हमने इसकी बॉडी को लगाकर कर लिया है रेडी, और हम चलते हैं छत पर, जहां हम सबसे पहले करेंगे इसकी गैस को टेस्ट। चेक करने के बाद हमारा गैस का प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए अब इसकी सर्विस करना शुरू करते हैं। अभी जितना हमने सोचा था उससे इसमें ज्यादा ही गंदगी निकली है, और इसको चारों तरफ से धोने के बाद, आउटडोर को रेडी करने के बाद, हम चल दिए इसके नीचे टेस्ट करने। इसका एमसीबी खोलकर इसको चला दिया है, और कूलिंग तो ये तभी करेगा जब कंप्रेसर चलेगा, तो हम 2-3 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। अभी 5 मिनट हो गया है, और पहले से अब बहुत ज्यादा अच्छी कूलिंग आ रही है।